नमस्कार दोस्तों, मैं कृणाल पाच पांडे स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल श्री रिसर्च एंड इंजीनियरिंग की प्लास्टिक पार्ट डिजाइन की वीडियो सीरीज में। दोस्तों आज से हम हमारी इस YouTube चैनल पे प्लास्टिक पार्ट डिजाइन की वीडियो सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों इस प्लास्टिक पार्ट डिजाइन की वीडियो सीरीज में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक उन सभी के सभी टॉपिक को सिखाने वाले हैं कि जो टॉपिक हमें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट एग्जाम की प्रिपरेशन हेतु या फिर इंडस्ट्री में काम करने हेतु उपयुक्त होते हैं, उन सभी के सभी टॉपिक को हम हमारी इस यूट्यूब चैनल पे डिटेल में सिखाने वाले हैं। उसी के साथ दोस्तों प्लास्टिक पार्ट डिजाइन के रिलेटेड जो सभी फार्मूले होते हैं या फिर जो सभी कैलकुलेशन होते हैं कि जो हमें प्लास्टिक के पार्ट को डिजाइन करने के वक्त यूजफुल होते हैं, उन सभी के सभी फार्मूले व कैलकुलेशन को भी हम हमारी इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि दोस्तों आप मैकेनिकल फील्ड या फिर प्लास्टिक इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हो तो दोस्तों आपको प्लास्टिक पार्ट डिजाइन के बारे में जानकारी होना अत्यावश्यक है। तो यदि दोस्तों आपको प्लास्टिक पार्ट डिजाइन के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी के सभी टॉपिक को डिटेल में सीखना है तो दोस्तों आज ही आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, तो जैसे हम नए नए वीडियो को अपलोड करते जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों आज हमारी इस प्लास्टिक पार्ट डिजाइन के वीडियो सीरीज का फर्स्ट वीडियो है और आज का वीडियो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्लास्टिक के बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है, उसी के साथ हमें प्लास्टिक कहां से मिलता है, मींस प्लास्टिक का सोर्स क्या होता है, वो भी आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। उसी के साथ दोस्तों प्लास्टिक का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, मींस प्लास्टिक का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो भी आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। उसी के साथ दोस्तों इंडस्ट्री में जो प्लास्टिक यूज किया जाता है उस प्लास्टिक का रॉ मटेरियल कैसा होता है और हमें किस तरह से मिलता है, वो भी आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। उसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स के बारे में भी डिटेल में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं नॉलेजेबल होने वाला है, तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है। तो दोस्तों आमतौर पर आप सब ने प्लास्टिक को देखा होगा, आप सबको मालूम होगा कि प्लास्टिक क्या होता है। लेकिन दोस्तों यदि आपको कहां पे इंटरव्यू में पूछा जाए कि प्लास्टिक क्या होता है तो दोस्तों आप इस डेफिनेशन को बता सकते हैं। दोस्तों प्लास्टिक क्या होता है, दोस्तों प्लास्टिक एक ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है कि जो हमारा बना हुआ होता है नेचुरल एवं सिंथेटिक कंपोनेंट से। तो यदि आपको कहां पे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि प्लास्टिक इज अ ऑर्गेनिक पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट नेचुरल एवं सिंथेटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्लास्टिक की स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होती है। अब मैं इस डेफिनेशन को आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो दोस्तों इस डेफिनेशन में सबसे पहला वर्ड है हमारा ऑर्गेनिक और सेकंड वर्ड है हमारा पॉलीमर। तो दोस्तों ऑर्गेनिक वर्ड से हमें क्या सूचित होता है, तो दोस्तों ऑर्गेनिक वर्ड से हमें समझ में आता है कि ये जो प्लास्टिक है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट होगा हमारा कार्बन एटम। तो यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक से समझ में आया कि प्लास्टिक में मेन कंस्टिट्यूएंट होगा हमारा कार्बन एटम। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पॉलीमर शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों पॉलीमर वर्ड हमारा बना हुआ होता है इन दो वर्ड से, फर्स्ट वर्ड होता है पॉली एवं सेकंड वर्ड होता है हमारा मर्स। तो पॉली का मीनिंग होता है मेनी और मर का मीनिंग होता है चेन ऑफ मॉलिक्यूल। मींस पॉलीमर का मीनिंग क्या हुआ, तो पॉलीमर का मीनिंग हुआ हमारा नंबर ऑफ चेन ऑफ मॉलिक्यूल। मींस दोस्तों इस ऑर्गेनिक पॉलीमर शब्द का मीनिंग क्या हुआ, तो दोस्तों इस ऑर्गेनिक पॉलीमर वर्ड का मीनिंग है हमारा कार्बन के एटम की नंबर ऑफ चेन ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ सब्सटेंस। तो यहाँ पे देखा हमने कि प्लास्टिक क्या होता है, तो प्लास्टिक होता है हमारा ऑर्गेनिक पॉलीमर कि जो हमारा बना हुआ होता है नेचुरल एवं सिंथेटिक कंपोनेंट से। तो यहाँ पे हमने डिटेल में देखा कि प्लास्टिक क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे कि प्लास्टिक का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो जैसे कि दोस्तों हमारे लास्ट वाले स्लाइड में हमने देखा था कि प्लास्टिक में मेन कंस्टिट्यूएंट होता है हमारा कार्बन एटम। तो दोस्तों प्लास्टिक के केमिकल कंपोजिशन में जो हमारा कार्बन एटम होता है वो कार्बन एटम हमारा जो सेकेंडरी कंपोजिशन होता है जैसे कि क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सेकेंडरी कंपोजिशन के साथ प्राइमरी कोहेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ होता है।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे प्लास्टिक के पार्ट का एग्जांपल दिया है और उसका केमिकल कंपोजिशन भी यहाँ पे शो किया है। दोस्तों वो पार्ट है हमारा पीवीसी। दोस्तों आप सबने पीवीसी के पाइप देखे होंगे, तो दोस्तों वो पीवीसी के पाइप हमारे बने हुए होते हैं इस पीवीसी मटेरियल से, इसलिए उन पाइप को हम पीवीसी पाइप कहते हैं। दोस्तों पीवीसी का मीनिंग क्या होता है? दोस्तों पीवीसी का मीनिंग होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पॉलीविनाइल क्लोराइड का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? C2H3Cl। दोस्तों ये इसका केमिकल कंपोजिशन। तो दोस्तों पीवीसी में मेन कंस्टिट्यूएंट होता है हमारा कार्बन एटम, और कार्बन एटम प्राइमरी कोहेरेंट बॉन्ड से बंधा हुआ होता है हाइड्रोजन एटम एवं क्लोरीन एटम से। तो यहाँ पे हमने देखा कि पीवीसी का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है और प्लास्टिक का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे कि हमें प्लास्टिक कहाँ से मिलता है, प्लास्टिक का इनिशियल सोर्स क्या होता है, प्लास्टिक का इनिशियल मटेरियल क्या होता है, वो अब हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे। तो दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि हम मिट्टी से क्रूड ऑयल को किस तरह से निकालते हैं। तो दोस्तों जब हम मिट्टी से क्रूड ऑयल को निकालते हैं तो दोस्तों क्रूड ऑयल के साथ कुछ मड भी मिट्टी से निकल आता है। तो दोस्तों उस मड से ही हमारा प्लास्टिक का इनिशियल मटेरियल हमें मिलता है। तो दोस्तों जब हम मिट्टी से ऑयल निकालते हैं तो दोस्तों ऑयल के साथ जो मड बाहर निकलता है उस मड से ही रोड बनाने के लिए जो डंबर लगता है वो डंबर भी हमें मिलता है, और डंबर के साथ ही प्लास्टिक के लिए जो इनिशियल रॉ मटेरियल होता है वो भी हमें उस मड से मिलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्लास्टिक का इनिशियल रॉ मटेरियल क्या होता है। उसी के साथ दोस्तों जो हमारी कोयले की खदानें होती है उन कोयले की खदानें से भी हमें प्लास्टिक का इनिशियल रॉ मटेरियल मिलता है। उसी के साथ दोस्तों जब हम मिट्टी से नेचुरल गैस निकालते हैं दोस्तों नेचुरल गैस निकालने के साथ ही हमें प्लास्टिक का रॉ मटेरियल भी मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि प्लास्टिक का इनिशियल रॉ मटेरियल क्या होता है और हमें कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों प्लास्टिक का इनिशियल रॉ मटेरियल हमें मिलता है कोयले की खदानों से। उसी के साथ जब हम मिट्टी से क्रूड ऑयल निकालते हैं तो क्रूड ऑयल से जो मड निकलता है उस मड से भी हमें प्लास्टिक का रॉ मटेरियल मिलता है। उसी के साथ हम जब मिट्टी से नेचुरल गैस निकालते हैं तो नेचुरल गैस के साथ भी प्लास्टिक का रॉ मटेरियल निकलता है। तो यहाँ पे हमने प्लास्टिक का इनिशियल सोर्स क्या होता है उसके बारे में देखा। तो दोस्तों प्लास्टिक के साथ जो इनिशियल रॉ मटेरियल निकलता है वो डायरेक्टली आप इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रूड फॉर्म में होता है। तो दोस्तों कोयले की खदानों से या फिर पेट्रोलियम से या फिर नेचुरल गैस से जो क्रूड फॉर्म हमें मिलता है उस क्रूड फॉर्म के ऊपर हम सबसे पहले प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद उससे हम उस क्रूड फॉर्म को ग्रैन्यूल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों ग्रैन्यूल ही हमारा इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल होता है। तो दोस्तों जो हमारा प्लास्टिक का क्रूड फॉर्म होता है जिसे आप कच्चा प्लास्टिक भी कह सकते हैं, उस कच्चे फॉर्म में आप जो जो सेकेंडरी कंस्टिट्यूएंट डालते हैं उससे प्लास्टिक के अलग अलग मटेरियल तैयार होते हैं। तो आप कौन सा सेकेंडरी कंस्टिट्यूएंट उस प्लास्टिक में डालते हो उससे प्लास्टिक के अलग अलग मटेरियल बनते हैं। उसी के साथ आप कितनी मात्रा में प्लास्टिक में सेकेंडरी कंस्टिट्यूएंट डालते हैं उससे भी प्लास्टिक के अलग अलग मटेरियल तैयार होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक के जो अलग अलग मटेरियल होते हैं जैसे कि ABS होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, PS होता है, ऐसे जो अलग अलग मटेरियल होते हैं वो आप कच्चे प्लास्टिक में कौन सा सेकेंडरी मटेरियल डालते हो उससे डिपेंड होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इंडस्ट्री में जो प्लास्टिक के ग्रैन्यूल यूज करते हैं वो प्लास्टिक के ग्रैन्यूल हमारे अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं, और उसका कलर भी हमारा अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्लास्टिक का इनिशियल रॉ मटेरियल से ग्रैन्यूल तक का सफर कैसा होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे डिटेल में सीखते हैं कि इंडस्ट्री में जो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल होता है उस रॉ मटेरियल के बारे में। दोस्तों इंडस्ट्री में यदि आपको कोई प्लास्टिक से कोई पार्ट बनाना है दोस्तों पार्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो रॉ मटेरियल होता है हमारा ग्रैन्यूल के फॉर्म में। तो ऐसे अलग अलग मटेरियल के अलग अलग कलर के ग्रैन्यूल होते हैं। तो दोस्तों आपको जिस भी मटेरियल का पार्ट बनाना है उस मटेरियल के ग्रैन्यूल को सबसे पहले आपको मोल्डिंग मशीन में डालना होता है। तो इंडस्ट्री में जो प्लास्टिक बनाने का रॉ मटेरियल होता है वो होता है हमारा एक ग्रैन्यूल के फॉर्म में। तो यहाँ पे इमेज में जो ग्रैन्यूल दिखाई दे रहे हैं वो ग्रैन्यूल ही हमारी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल होता है। तो यदि आपको इंडस्ट्री में कोई पार्ट बनाना है तो पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन ग्रैन्यूल को मोल्डिंग मशीन में डालना होगा। मोल्डिंग मशीन में डालने के बाद वह मोल्डिंग मशीन सबसे पहले इन ग्रैन्यूल को पिघलाएगी। पिघलाने के बाद उस ग्रैन्यूल के एक मेल्ट फॉर्म क्रिएट होगा। अब उस मेल्ट फॉर्म को आप किस शेप में डालते हैं उस शेप के अनुसार प्लास्टिक के अलग अलग पार्ट तैयार होते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने प्लास्टिक के बारे में एक शॉर्ट में ओवरव्यू किया। उसमें हमने प्लास्टिक के बेसिक बेसिक जो थिंग्स होती है उन बेसिक बेसिक थिंग्स को डिटेल में सीखा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहले हमने देखा कि प्लास्टिक क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि हमें प्लास्टिक कहाँ से मिलता है, प्लास्टिक का इनिशियल सोर्स क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि प्लास्टिक का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि प्लास्टिक में जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल होता है वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल किस फॉर्म में होता है, उसी के साथ हमने प्लास्टिक के ग्रेन्यूल के बारे में सीखा। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं टाइप ऑफ प्लास्टिक के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।